हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। कैलकुलस का हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। एंड इसमें हमने लास्ट लेक्चर में किया था लैबनिज थ्योरम, आज उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, फर्स्ट पार्ट, वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन। लैबनिज जो थ्योरम है वो कब अप्लाई करते हैं? जब हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है व्हेन टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीपल में अगर दे रखे हो, अब जैसे एक फंक्शन दिस एंड सेकंड फंक्शन इज कंप्लीट। ठीक है, तो दो फंक्शन की मल्टीप्लाई अगर होती है और उसका हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे, ये हम फाइंड आउट करेंगे लैबनिज थ्योरम से। ठीक है, अब लैबनिज थ्योरम क्या थी? यू वी एन, एन मीन्स nth डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, u and v, u का डेरिवेटिव n टाइम्स, एन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v एज इट इज प्लस एम सी वन एंड माइनस वन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v वन, मतलब v का फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके, प्लस एम सी टू यू एन माइनस टू वी टू एम सी थ्री यू एन माइनस थ्री, यहाँ पे टू आएगा, सॉरी थ्री। ठीक है, नेक्स्ट हम है एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री वी थ्री प्लस अप टू सॉल्व। ठीक है, तो ये आपके पास है लैबनिज थ्योरम। अब यही हम यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड यहाँ पे देखेंगे यू और वी टू फंक्शंस। अब यहाँ पे यू फंक्शन कौन सा लेना है और वी फंक्शन यहाँ पे कौन सा लेके चलेंगे? तो वी आप वो फंक्शन लीजिए जिसका डेरिवेटिव जीरो आ जाए करते कर, जैसे कि हम अगर मैं ये वाली टर्म में लेती हूँ वी, लेट वी इज दिस एंड यू इज दिस। पहले आप u लिख लीजिए, u इज इक्वल टू e रेज टू पावर ए एक्स एंड v इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एन एक्स प्लस एन इन टू एन प्लस वन। क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि u हमें ये फंक्शन ले लेते हैं, v वो फंक्शन लेना है जिसका डेरिवेटिव जीरो आ जाए, क्योंकि v फर्स्ट टाइम एज इट इज, सेकेंड टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव, नेक्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव अप टू सॉन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका थर्ड डेरिवेटिव, अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करती हूँ, वी वन इज अ टू ए स्क्वायर एक्स माइनस टू ए एन, एक्स का वन हो जाएगा, दिस टर्म इज अ जीरो। वी टू फाइंड आउट कीजिए, वी टू इज अ टू ए स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव वन एंड दिस टर्म जीरो। वी थ्री करते हैं जीरो। अब हमने यहाँ से देखा कि v हमने ऐसा फंक्शन लिया है जिसका डेरिवेटिव करते करते हमारे पास वैनिश हो जाता है, मीन्स जीरो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, देन ये u हो गया हमारे पास। अभी स्टार्टिंग में क्या चाहिए? यू एन मीन्स u का nth डेरिवेटिव। अगर मैं इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करती हूँ, तो जो इसकी कैलकुलस की फर्स्ट क्लास थी nth डेरिवेटिव की, जो आपने अगर देखी होगी, क्लास थर्ड है शायद कैलकुलस में, इसमें मैंने करवाया था कि e रेज टू पावर एम एक्स का क्या होता है ना डेरिवेटिव, जितनी भी पावर होती है x का कोफिशियंट होता है, a रेज टू पावर n इंटू e रेज टू पावर ए एक्स इज एज इट इज। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रूल अप्लाई करना है आपको, सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए एन एड डेरिवेटिव के, e रेज टू पावर ए एक्स, जैसे नेक्स्ट में आपके पास आ जाएगा log of x। ठीक है, एंड e सबके जो हम जितने भी रूल हैं आपकी बुक में वो सारे याद कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको चाहिए यू एन माइनस वन, दैट मीन्स हमें चाहिए एन माइनस वन ऑफ डेरिवेटिव। इसका आप एन माइनस वन डेरिवेटिव करते हैं, देन ए रेज टू पावर एन माइनस वन, कितने टाइम कर रहे हो, एन माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज। ओके, यू एन माइनस टू अगर हमें निकालना हो तो ए रेज टू पावर एन माइनस टू ई रेज टू पावर ए एक्स। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं लैबनिज रूल। nth डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस y, यहाँ पे मैं y लिख रही हूँ, इज़ अ कम्प्लीट स्टेटमेंट। ओके, दिस इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए यहाँ से, यू एन, यू एन मीन्स यू, यू लिया है आपने, दिस इज इसका एन डेरिवेटिव आ जाएगा ये, या तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एक बारी, यू वी यू एन वी एज इट इज एन सी वन यू एन माइनस वन ई रेज टू वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू
एंड यहाँ पे देखेंगे थर्ड डेरिवेटिव जीरो है, यानी वी थ्री की वैल्यू जीरो है, तो सारे के सारे आगे की टर्म्स जीरो आएंगे, तो कम्प्लीट इज वैनिश। तो यहाँ से हमारे पास टर्म सेकेंड डेरिवेटिव तक आएंगे, वी टू तक आएंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं, यू एन मीन्स एनर डेरिवेटिव, ए रेज टू पावर एन, ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू वी एज इट इज, एंड वी इज कम्प्लीट ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन। ओके, एन सी वन, एन सी वन की वैल्यू होती है एन, यू एन माइनस वन ये निकाल रखा हमने, ए रेज टू पावर एन माइनस वन, ई रेज टू पावर ए एक्स, एंड वी वन इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव दिस टर्म, टू ए स्क्वायर एक्स माइनस टू ए एन, एक्स का यहाँ पे वन डेरिवेटिव हो गया था। एंड नेक्स्ट इज एन सी टू, एन सी टू क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, ठीक है, यू एन माइनस टू डेरिवेटिव, ए रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, एंड वी टू, वी टू इज टू ए स्क्वायर, वी टू की वैल्यू रख देंगे टू ए स्क्वायर। एन सी टू को आप कैसे सॉल्व करेंगे, एन सी टू इज एन फैक्टोरियल, एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, एन को ओपन करते हैं, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल के लिए, एन माइनस टू फैक्टोरियल एज इट इज, और टू को फैक्टोरियल को लिख सकते हैं टू, कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें ए रेज टू पावर, तो ये पावर्स जो है वो एड ई रेज टू पावर ए एक्स तो सब में कॉमन आ रहा है, इसको तो आप कॉमन ले लीजिए, ई रेज टू पावर ए एक्स नेक्स्ट टर्म में भी है एंड लास्ट टर्म में भी है, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए रेज टू पावर एन प्लस टू, एन पावर एन टू पावर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए एंड एन इज ए एन प्लस वन, ठीक है, और एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन, ए रेज टू पावर एन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एन स्क्वायर ए रेज टू पावर एन प्लस एन इंटू ए रेज टू पावर एन, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई ओपन कर लेते हैं, देन एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा, और ए रेज टू पावर एन हमने मल्टीप्लाई किया, ये टर्म हमारी थी कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट टर्म यहाँ से शुरू होती है, ई रेज टू पावर ए एक्स को हमने कॉमन ले लिया, एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन, इसको आप ले जाइए मल्टीप्लाई करते, ए रेज टू पावर एन प्लस वन हो जाएगा, टू एंड एन माइनस वन ऐड करेंगे, एंड एन इंटू एक्स माइनस टू ए एन एंड ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन एंड ए इज ए रेज टू पावर एन, एंड एन इंटू एन इज एन स्क्वायर, ठीक है, एंड टू से टू कैंसिल, ए रेज टू पावर एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए रेज टू पावर एन माइनस टू एंड ए स्क्वायर, ये कंप्लीट जो आपके पास आ जाएगा ए रेज टू पावर एन, बिकॉज टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस एन स्क्वायर इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस एन इंटू ए रेज टू पावर एन, ये हो जाएगा ओपन, दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर ए एक्स एन प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एन प्लस वन वाली टर्म देखिए कहाँ पे, ये टर्म इससे कैंसिल आउट, एंड टू टाइम ए एन एन स्क्वायर, ओके, फर्स्ट टाइम ये माइनस टू, दिस इज एन स्क्वायर ए रेज टू पावर एन, एन स्क्वायर ए रेज टू पावर एन, ये तीनों कैंसिल, एंड एन इन टू ए रेज टू पावर एन इज ए लास्ट टर्म इज ऑल्सो कैंसिल आउट, देन हमारे पास यही बचेगा, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लेके चलना है आपको कि वी का डेरिवेटिव जीरो हो जाए, और यहाँ से स्टार्टिंग की जितने भी टर्म्स जितनी बार भी आपको डेरिवेटिव वी टू तक मिला तो हमें इसको वी टू तक ही ओपन करना है। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या है आपके पास, वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे देखेंगे तो किसी का भी डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, तो u हम ले लेते हैं ई रेज टू पावर x, क्योंकि u के हमें nth डेरिवेटिव चाहिएंगे, जैसे आप लेवरेज अप्लाई करते हो u n into v, इसको हम u ले लेते हैं और v ले लेते हैं हम log of x, ठीक है, u स्टार्टिंग में चाहिएगा हमें nth डेरिवेटिव, देन ई रेज टू पावर x ही आ जाएगा, n माइनस वन इज ऑल्सो ई रेज टू पावर x, अप टू सॉन लास्ट में u वन,
ई रेज टू पावर एक्स, ये तो सारे के सारे ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगा बिकॉज इसका मल्टीपल वन है और वन रेज टू पावर एन हमारे पास, या वन रेज टू पावर एन माइनस वन वन ही होता है। यहाँ पे देखते हैं वी वन इज वन बाय एक्स, वी टू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, वी थ्री माइनस वन, इसको सॉल्व नहीं करना आपको, यहाँ से आ जाएगा माइनस टू इंटू वन बाय एक्स क्यूब। अप टू सॉन अगर मैं वी एन फाइंड आउट करती हूँ, यहाँ पे देखिए माइनस वन माइनस टू, इसको आप लिख सकते हो माइनस वन स्क्वायर इंटू टू फैक्टोरियल, माइनस वन इंटू माइनस, दो बार माइनस आया तो स्क्वायर लगा दिया हमने, एंड वन इंटू टू इज अ टू फैक्टोरियल। ओके देन यहाँ पे अगर मैं एन डेरिवेटिव में निकाल रही हूँ तो थर्ड डेरिवेटिव में माइनस वन स्क्वायर आ रहा है, यानी टू पावर एक कम जा रही है, तो यहाँ से आ जाएगा एन माइनस वन, एंड टू थर्ड डेरिवेटिव में टू फैक्टोरियल है तो एन डेरिवेटिव में एन माइनस वन फैक्टोरियल, एंड एक्स क्यूब मीन्स एक्स रेज टू पावर एन, थर्ड में क्यूब आ रहा है, सेकेंड में स्क्वायर आ रहा है। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स का हमने पढ़ा हुआ है, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे एक्स का मल्टीपल देखिए आप वन आ रहा है, तो माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय ए एक्स, जो इसका एंगल होता है उसकी पावर एन होती है, यहाँ पे एंगल हमारा एक्स है, तो ये आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। अब हम थ्योरम अप्लाई करते हैं, थ्योरम क्या थी हमारे पास, यहाँ लिखवा देती हूँ, यू वी एन अप्लाई करेंगे हम, ये अप्लाई कर रहे हैं हम डेरिवेटिव ऑफ वाई, वाई हमारे पास है ई रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस अप टू सो ऑन एन सी एन यू एज इट इज वी एन। ओके देन ये आ जाएगा यू एन, एन एन डेरिवेटिव इज ई रेज टू पावर एक्स एंड वी एज इट इज इज लॉग ऑफ एक्स, एन सी वन एन होता है, यू एन माइनस वन ऑल्सो ई रेज टू पावर एक्स, वी वन इज वन बाय एक्स, यहाँ से आ जाएगा वन बाय एक्स, प्लस एन सी टू की वैल्यू होती है एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, यू एन माइनस टू इज टू पावर एक्स, एंड वी टू सेकेंड डेरिवेटिव दिस इज माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, प्लस अप टू सॉन एन सी एन, एन सी एन क्या होता है वन, ठीक है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस एन इंटू एन फैक्टोरियल, तो ये तो एन माइनस एन इज अ जीरो फैक्टोरियल, ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस एन इज जीरो फैक्टोरियल इंटू एन, कैंसिल और जीरो फैक्टोरियल वन होता है, ठीक है, एन सी एन हो गया वन, यू एज इट इज यू इज ई रेज टू पावर एक्स, एंड वी एन, वी एन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है, माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर एन, देन दिस इज सॉल्यूशन, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ रहा है, देन लॉग ऑफ एक्स, ये माइनस की टर्म आ जाएगी, माइनस वन बाय एक्स इंटू एन, या फिर एन बाय एक्स लिख लीजिए, ठीक है, एंड माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर सेकेंड टर्म, ये पॉजिटिव है भाई, ये माइनस नहीं है फ्रैक्शन में, ये माइनस का आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ चुका इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर, प्लस अप टू सॉन ई रेज टू पावर एक्स इज कॉमन आउट, एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर एन, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर एक्स, यहां पे आपको यू ले लेते हैं ई रेज टू पावर एक्स एंड वी ले लेते हैं एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है, यू एन माइनस वन स्टार्टिंग में एन डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, एन माइनस वन ऑल्सो ई रेज टू पावर एक्स, अप टू सो ऑन यू वन ऑल्सो ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है, वी वन निकालते हैं यहाँ से एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, वी टू इज एन इंटू एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, वी थ्री एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस थ्री, अप टू सॉन वी एन चाहिए हमें, देन
एन इन टू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सॉन। यहाँ पे देख एक्स रेज टू पावर एन माइनस एन एंड एक्स रेज टू पावर एन माइनस एन एक्स रेज टू पावर जीरो इज अ वन, तो ये आ जाएगा। एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, एन से स्टार्ट हो रहा है वन तक आपके पास प्रोडक्ट जा रही है, तो यहाँ पे इसको एन भी लिख सकते हो। देन एन एट डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर एक्स क्या आ जाएगा, यू एन इन टू वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस अप टू सॉन एन सी एन यू एज इट इज एन माइनस एन इज ज़ीरो एंड वी एन। ठीक है, वैल्यूज रख दीजिए, यू एन की वैल्यू हो जाएगी ई रेज टू पावर एक्स, वी इज एक्स रेज टू पावर एन प्लस एन सी वन एन होता है एन माइनस वन करेंगे देन ऑल्सो ई रेज टू पावर एक्स, वी वन इज एन इन टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, एज इट इज एन इन टू एन माइनस वन बाय टू एंड यू एन माइनस ई रेज टू पावर एक्स और वी टू की वैल्यू देखिए यहाँ से एन इन टू एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू। ठीक है, ये एन से टू की वैल्यू है, ये यू एन माइनस टू की और वी टू की हम यहाँ से पुट करेंगे एन इन टू एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू। ठीक है, प्लस अप टू सॉन एन सी एन वन होता है, यू इज ई रेज टू पावर एक्स एंड वी एन एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लीजिए यहाँ से एन इन टू एन माइनस वन दिस इज ये स्क्वायर में आ जाएगा और ई रेज टू पावर एक्स कॉमन लेके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। यू हम लेके चलेंगे ए रेज टू पावर एक्स एंड वी लेके चलेंगे एक्स स्क्वायर। वी को हमें ऐसा लेना है कि डेरिवेटिव खत्म हो जाए हमारा। वी वन करते हैं टू एक्स आएगा, वी टू करते हो टू आएगा एंड वी थ्री करते हो ज़ीरो आ जाएगा। तो हम सिर्फ फॉर्मूला जो वो यहाँ तक ही ओपन करेंगे एन सी टू यू वन माइनस टू वी टू तक, क्योंकि वी थ्री हमारा जीरो आ रहा है, आगे की सारी टर्म हमारे जीरो आएंगे बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ हायर पावर डिग्री ऑफ वी आर ज़ीरो। यहाँ से यू दे रखा है ए रेज टू पावर एक्स, यू एन फाइंड आउट करते हैं। अब ए रेज टू पावर एक्स का जो एन एट डेरिवेटिव है इसका आपको अगर फॉर्मूला एज इट इज़ याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा यू वन यू टू यू थ्री जो भी आ रहा है आपके पास। एन एट डेरिवेटिव होता है लॉग ऑफ ए रेज टू पावर एन इन टू ए रेज टू पावर एक्स। एन माइनस वन एट डेरिवेटिव होता है लॉग ऑफ ए, जितनी डेरिवेटिव ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल रहे उतनी पावर हो जाएगी और ए रेज टू पावर एक्स एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकालते जाएंगे, हमें चाहिए वी टू तक, मेन समय यू एन माइनस टू तक चाहिए। ओके, यू एन माइनस टू इज ए लॉग ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस टू इन टू ए रेज टू पावर एक्स। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो है आप फॉर्मूले में पुट कीजिए यहाँ तक एंड जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालिए और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट इज वाई इक्वल टू एक्स क्यूब इन टू लॉग ऑफ एक्स, फिर से वही लेके चलना है आपको, यू को आप लॉग ऑफ एक्स लेके चलेंगे, वी को आप एक्स क्यूब लेके चलेंगे। ठीक है, एंड यू का स्टार्टिंग में एन एट डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, एंड वी वन इज थ्री एक्स स्क्वायर। यू एन माइनस वन निकालते हैं, माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन कर रहे हो तो यहाँ पे एन को एन माइनस वन में चेंज कर दीजिए, एन माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ओके, इन टू सॉरी वी टू इज ए सिक्स एक्स, यू एन माइनस टू करते हैं, माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू एंड वी थ्री आ जाएगा। सो फॉर्मूले में पुट कीजिए, डी एन अपॉन डी एक्स एन, यू इन टू वी होता है, यू हमारे पास लॉग ऑफ एक्स है तो ये भी ध्यान रखना है, लॉग ऑफ एक्स हम पहले लिखेंगे और एक्स क्यूब बाद में बिकॉज हमने इसको यू लिया है इसको वी लिया है। दिस इज यू एन होता है, सबसे पहले एन सी जीरो वन होता है जो कि हम नहीं लिखते हैं, यू एन मीन्स एन अ डेरिवेटिव, माइनस वन रेज टू पावर एन इन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन है एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर एन एंड वी एज इट इज होता है इन टू एक्स क्यूब प्लस एन सी वन इज एन इन टू माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इन टू थ्री एक्स
स्क्वायर वी वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय टू एंड सी टू जो होता है उसकी वैल्यू एंड इसके बाद यू एन माइनस टू लेंगे हम माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस थ्री एन माइनस थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू सिक्स एक्स एक टर्म और चाहिए होगी यू एन माइनस थ्री माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस फोर एन माइनस फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर एन माइनस थ्री ठीक है और वी फोर हमारे लिए जीरो हो जाएगा तो इसके बाद जो टर्म आएगी दिस इज एन सी थ्री यहाँ पे होता ये एन सी टू की वैल्यू है एन सी थ्री इज एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल मीन्स सिक्स माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस फोर एन माइनस फोर फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर एन माइनस थ्री इंटू सिक्स इज वी थ्री ठीक है वी थ्री की वैल्यू रख देंगे अब आपको इसको सॉल्व करना है जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकालिए एक्स की पावर एन माइनस थ्री हो जाएगी आप इसको अपॉन में ले आइए यहाँ पे एक्स को सॉल्व करना है बाकी जो कॉमन आ रहा है माइनस वन रेज टू पावर जितनी भी पावर कॉमन आएगी आपके पास जैसे एन माइनस फोर पावर यहाँ पे फोर है एन माइनस वन है एन माइनस टू एन माइनस थ्री तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन आउट कीजिए और बाकी जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा ठीक है और इसको आप सॉल्व कीजिए आगे तो फर्स्ट क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट हैं इसी तरह से आपको करने हैं तो आप इनको ट्राई कीजिए एंड दो दिन बाद जो है कैलकुलस का लेक्चर होगा तब तक आप मुझे प्रॉब्लम दे सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ओनली फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट जितने भी इसके पार्ट हैं सारे आप ट्राई कीजिए ठीक है तो आप इनको ट्राई करो एंड खूब मेहनत करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो